रेडी महोदय, देश में भावनात्मक एकता की परिकल्पना की जाती है, उसके संबंध में बहुत कुछ कहा भी जाता है। कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो भावनात्मक एकता की कड़ियों को मजबूत करने के काम में लगी हुई हैं? ऐसी कौन सी भावना है जो सबको एक सूत्र में बांधे रख सकती है? क्या यह काम आर्थिक विकास के माध्यम से या सामाजिक न्याय की स्थापना से या फिर सद्भावना दिवस के मनाने से पूरा हो जाएगा या फिर अंग्रेजी भाषा यह काम करने में समर्थ हो जाएगी? आर्थिक विकास से सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक न्याय से असमानता समाप्त हो जाएगी, अंग्रेजी भी यह काम ना कर सकेगी इसलिए कि उसका जन्म इस धरती की कोख से नहीं हुआ। भावनात्मक एकता की कड़ियों को मजबूत करने का काम हिंदी ही कर सकती है। आज हिंदी जनभाषा बन चुकी है और उसकी जड़ें जनमानस की भावनाओं तक पहुंच चुकी हैं। इन्हीं भावनाओं की एकता ही भावनात्मक एकता है। ऐसी बात नहीं कि आज भावनात्मक एकता नहीं है, वह है और आवश्यकता इस बात की है कि उसे अक्षुण बनाए रखा जाए। इस दायित्व को पूरा करने में हिंदी सेवी संस्थाओं की अमर देन रही है। स्वतंत्रता के बाद देश में बदलाव आया। बदली हुई परिस्थितियों में हिंदी सेवी संस्थाओं का दायित्व और भी बढ़ गया। आज कई एक राज्यों में हिंदी को सरकारी पाठ्यक्रम में स्थान मिल चुका है, पर कुछ राज्यों में अभी भी हिंदी शिक्षा का विषय नहीं है। अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी को तृतीय स्थान प्राप्त है, पर अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी के पढ़ाई के घंटे कम होते हैं। कुछ राज्यों में हिंदी बोर्ड की परीक्षा का विषय नहीं है और कुछ राज्यों में केवल कम से कम 20 अंक ले लेना पर्याप्त हो जाता है। अतः हिंदी को द्वितीय भाषा का स्थान प्राप्त होते हुए भी उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है। विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की समुचित व्यवस्था है, पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सीमित होती है। अतएव आज विभिन्न हिंदी सेवी संस्थाओं की परीक्षाओं में लाखों की संख्या में परीक्षार्थी भाग लेते हैं। इन संस्थानों के स्नातक भाषा और ज्ञान में विश्वविद्यालयों के स्नातकों से कम नहीं होते। अतः आज हिंदी सेवा संस्थाएं इस अभाव की पूर्ति करती हैं, वे उनकी पूरक हैं। महोदय, अधिकतर हिंदी भाषा का प्रचार का माध्यम उनकी परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं की प्रतिमानीकरण का जब प्रश्न उठ खड़ा होता है तो उसकी पवित्रता, व्यवस्था और संचालन को लेकर नाना प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। आरोपों का जहां तक प्रश्न है वह हिंदी परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी संदेहास्पद हो गई हैं। परीक्षाओं में छुरा दिखाकर नकल मारना, उत्तरों को लिखना और उत्तर पुस्तिकाओं को बदल देना तो एक आम बात हो गई है। सरकारी और विश्वविद्यालयों की परीक्षा व्यवस्था पर लाखों रुपया व्यय करने पर भी उसकी पवित्रता जब बनाए नहीं रखी जा सकती, तब हिंदी परीक्षाओं की प्रामाणिकता पर लगाया जाने वाला आरोप बेकार सा लगता है। हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य सिर्फ भाषा मात्र का कार्य नहीं है, वह भारतीयता के उन्नयन एवं विकास का भी कार्य है। हिंदी एवं भारतीय संस्कृति को बराबर उजागर करना भी मुख्य कार्य है। हिंदी जन आंदोलन की भाषा बनी। जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए हिंदी को राष्ट्र के नेताओं ने अपनाया। राष्ट्रीय नेताओं के आदर्शों को अपनाकर हिंदी का प्रचार प्रसार देश भर में फैला और अबाध गति से चल रहा है। आज की स्थिति में हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के कार्यकर्ताओं, प्रेमियों और साहित्यकारों को और भी सजग होकर कार्य करने की आवश्यकता है, अन्यथा हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य जो पिछले 85 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है उसमें कहीं शिथिलता ना आ जाए। हिंदी एवं भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए पहले से अधिक जागरूक होना चाहिए। आज देश में आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण की स्थिति का दौर चल रहा है। इसी उदारीकरण के साथ विदेशी कंपनियां, विदेशी बैंक भारत में अपना प्रवेश कर रहे हैं, अपना पूंजी निवेश बढ़ा रहे हैं और नई कंपनियां, विदेशी बैंक भारत में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। विदेशी कंपनियां अपनी पूंजी निवेश बढ़ा रही हैं, नई कंपनियां लग रही हैं, अर्थात भारत में नई औद्योगिक नीति जोर पकड़ती जा रही है। इसके फलस्वरूप भारत में विदेशी माल की खपत बढ़ेगी, प्रचार बढ़ेगा, भारत में निर्मित माल फिर विदेशों में भेजने का क्रम चलेगा। वर्तमान में हमने गैट समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इन सभी स्थितियों में हमारा विश्व व्यापार लेन देन पत्राचार अंग्रेजी माध्यम से चलेगा। महोदय, अंत में
मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि गरीबी तो युग युगांतर से हमारे साथ लगी हुई है, बेकारी तो युग युगांतर से हमारे साथ लगी हुई है। उसको समाप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को कोशिश करनी चाहिए और अलग अलग होकर नहीं बल्कि इकट्ठा होकर कोशिश करनी चाहिए और उसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि यह गरीबी ही सबसे बड़ा रोग है। इससे सारे रोग और महारोग पैदा होते हैं। इन रोगों को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब जनों को मिलकर इसे रोकना चाहिए। गरीबी कैसे दूर होगी? गरीबी दूर हो गई तो बेकारी दूर होगी, बेकारी दूर होगी तो महामारी दूर होगी। इन सब चीज़ों का सहज उपाय यह है कि हम सबको मिलकर एक दूसरे पर उंगली उठाकर बात नहीं करनी चाहिए, राजनीति से प्रेरित होकर एक दूसरे की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, भावुकता का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए, और अगर कोई गरीब मर गया है तो उसकी लाश से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना नहीं चाहिए। आदरणीय उपसभा अध्यक्ष महोदया, निश्चित रूप से मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य माननीय सदस्य ने उठाए हैं, मैं उनसे भी सहमत हूँ कि यहाँ पर हर समस्या को राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है। अपवाद स्वरूप मेरी पार्टी ने कभी किसी समस्या को राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया होगा, लेकिन मेरी पार्टी को छोड़कर आम तौर से यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के लोग यथार्थ से नहीं हैं, राजनीतिक दृष्टि से ज़्यादा प्रेरित होकर समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि यह बात सही है कि युग युगांतर से गरीबी चली आ रही है, तो इस देश में बड़े लंबे समय से हिंदुओं का राज रहा, मुसलमानों का राज रहा, ईसाइयों का राज रहा, सिखों का राज रहा, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं सबकी बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि यह सबके ऊपर लागू होती है। जितनी भी चीज़ें हैं, देश की जमीन है, धरती है, कल कारखाने हैं, लाइसेंस हैं, परमिट हैं, एजेंसियां हैं, दुकानें हैं, मकान हैं, फ्लैट हैं, प्लाट हैं, शासन प्रशासन, शिक्षा दीक्षा, इन सब से वंचित रहे ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और आज भी सारे देश में जुल्म अत्याचार के शिकार हैं। महोदया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी के हृदय में जरा सी भी दया इन वर्गों के लोगों के लिए है, तो 22.5% जनसंख्या सरकारी आंकड़े के हैं, 1991 की जनगणना के आधार पर 25% जनसंख्या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की है, तो पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी धनराशि इनके लिए अंकित की जाती है? क्या कभी इन जातियों के विकास के लिए, इनके कल्याण के लिए इनको जनसंख्या के अनुपात में धनराशि आवंटित की गई? कभी नहीं की गई, किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई। जब नहीं की गई तो इनका आर्थिक विकास कैसे हो सकता है? इनकी गरीबी कैसे दूर हो सकती है? इनकी भुखमरी का समाधान कैसे हो सकता है? क्या कभी जो योजनाएं इनके लिए बनाई वे कार्यान्वित की गई? मैं फिर मूल विषय पर आऊँगा। मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका में इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि जो योजनाएं इन लोगों के लिए बनाई गई वे कभी कार्यान्वित नहीं की गई। माननीय सदस्य जी की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो प्राकृतिक संसाधन उनके पास थे, त्रिपुरा में कांग्रेस की सरकार रही है, दूसरी भी सरकारें रही हैं, लेकिन उनके साधन उनसे छीन लिए गए। यह सही है कि भुखमरी साम्यवादी सरकार में कम थी और कांग्रेस सरकार में ज़्यादा बढ़ी है, परंतु यह भी सही है कि यह आदिवासी क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है, जिनको हम बिगाड़ते हैं। घुसपैठ जो हुई है बांग्लादेश से, वह कांग्रेस की प्रेरणा पर हुआ, वोट की राजनीति के लिए हुआ। चकमा भी आए बांग्लादेश से, लेकिन वह आए नहीं थे, वह भगाए गए थे, वह निकाले गए थे, उनको मजबूर किया गया था। जब उनकी वापसी की बात कही गई तो उनका कोई इंतजाम किया नहीं गया, बांग्लादेश में वह वापस नहीं लिए गए, बांग्लादेश के खिलाफ कोई कदम नहीं उठे। लेकिन मुझे क्षमा करेंगे जो लोग यहाँ पर धर्म के नाम पर बड़े बड़े लांछन लगाते हैं, बांग्लादेश से जो बड़ी संख्या में घुसपैठिए आए, उनमें एक विशेष वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है। कांग्रेस के लोगों ने केवल वोट की राजनीति के लिए उन लोगों को नागरिकता प्रदान की, आज उनकी संख्या बहुत
बड़ी हो गई है। इस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए जिससे गरीब को पूरा हक मिले, श्रम शक्ति का जो काम चाहने वाले हैं उनको ठीक से काम मिल सके। हमारे देश का जो श्रमिक आंदोलन है उनका भी राजनीतिकरण हो रहा है।